वेलकम टू एक्सियन क्लासेस। आज 18 जनवरी 2022 की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और समसामयिक घटनाओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारी क्लासेस का शेड्यूल जो है कुछ इस प्रकार से है। करंट अफेयर्स आपको 8 बजे मिलेगी सुबह मॉर्निंग टाइम में। मैथ्स और रीजनिंग आपको 6 बजे मिलेगी। स्टैटिक जीके फिजिक्स आपको 7 बजे मिलेगी। केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको 8 बजे मिलेगी। इस क्लास के पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल है हमारी एक्सियन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। देखिए लिखा हुआ है, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। यानी कहा गया कि किस मंत्रालय ने, तो रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उन पर आश्रित जो उनके परिवारिकजन हैं उनकी पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। तो किस किस पेंशन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए किस पोर्टल की स्थापना की गई, तो रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? माननीय राजनाथ सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिलीपींस हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री। देखिए यहाँ पे शब्द आ गया है फर्स्ट, फर्स्ट फॉरेन कंट्री। फर्स्ट जैसे जुड़ जाता है हमारे लिए न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्वेश्चन बन जाता है इससे। तो फिलीपींस पहला देश बन गया है जो हमसे ब्रह्मोस 16 आधारित क्रूज मिसाइल की खरीद करेगा। पहला विदेशी देश बन गया ये। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस 16 आधारित क्रूज मिसाइल को खरीदने वाला पहला विदेशी देश कौन सा है, तो आपको पता चले फिलीपींस है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? वो है मनीला। और यहाँ पे करेंसी चलती है पीसो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप्स स्टार्टअप को नए भारत की रीढ़ कहा है। जो 16 जनवरी 16 स्टार्टअप को नए भारत की रीढ़ कहा है और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है। यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 16 जनवरी को। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नया दिवस है जनरेट किया गया। इसके अलावा हम पीछे पड़ चुके हैं, 1 जनवरी को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? ग्लोबल फैमिली डे। इसके अलावा 4 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे। 9 जनवरी को हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं। इसके अलावा 12 जनवरी को हमें को आप हम बताएगा 12 जनवरी को बताएंगे आप कि कौन सा दिवस होता है, क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा 1 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, डीआरडीओ डे, डीआरडीओ डे। फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। इन्होंने 17 जून 2022 को अंतिम सांस ली। यानी क्वेश्चन पूछा सकता है कि पंडित बिरजू किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये एक कथक नर्तक थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इनका जन्म 4 जनवरी 1938 को हुआ था। इनका असली नाम पूछा सकता है, ब्रजमोहन मिश्र था। इनके दो चाचा थे, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। उनके पिता अचन महाराज जी ये भी नर्तक थे। चाचा ने ही उनको कथक सिखाया है और वो केवल 9 साल के थे तब वो पिता का निधन हो गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी है कि इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। बिरजू महाराज पद्म भूषण से सम्मानित थे। उन्होंने नई दिल्ली में 13 साल की उम्र में नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में संगीत भारती में 13 साल की उम्र में नृत्य सिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली भारतीय कला केंद्र कथक में केंद्र में पढ़ाया। यहाँ से वो 1998 में सेवानिवृत्त हुए। इसके साथ इसके बाद उन्होंने दिल्ली में अपना नृत्य विद्यालय खोला और सत्यजीत रे शतरंज खिलाड़ी में 2 गाने कंपोज किए। सत्यजीत रे की शतरंज खिलाड़ी में 2 गाने भी कंपोज किए इन्होंने। इसके अलावा साल 2022 में फिल्म देवदास गाने काहे मोहे छोड़ दे हो में
इन्होंने उसको कोरियोग्राफ भी किया। नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है, देखिए लिखा हुआ है नाओमी ओसाका, आपको दिख रही है फोटो में, नाओमी ओसाका बनी सबसे अमीर महिला एथलीट। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अमीर महिला एथलीट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, नाओमी ओसाका। और ये कहाँ की है, जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका साल 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष पर है। और ये जानकारी फोर्ब्स ने दी है, सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में हमारे देश की पीवी सिंधु 7वें नंबर पे। तो पूछ सकते हैं पीवी सिंधु का विश्व में कौन सा स्थान है महिला खिलाड़ियों में कमाई के मामले में, तो 7वें नंबर पर, और नवमी उषा का 1 नंबर पर। इसके अलावा यहाँ से आप 3 और याद कर सकते हैं, नवमी उषा का खेल से संबंधित है, पूछा सकता है कि नवमी उषा का किस फील्ड से संबंधित है, तो खेल से, खेल के कौन से फील्ड, कौन से क्षेत्र में है, तो टेनिस। और देश कौन सा है, तो जापान। जापान की कैपिटल क्या होती है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। और करेंसी यहाँ चलती है एन। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेरेना विलियम्स टेनिस 2nd नंबर पर है, और ये अमेरिका की है। वीनस विलियम्स ये भी टेनिस है, और ये भी अमेरिका से है। इसके अलावा एक नाम और आप याद रखेंगे, बैडमिंटन भारत पीवी सिंधु। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक एग्रीमेंट हुआ है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर केन्या ट्रांजिशन प्रोजेक्ट को विकसित करना जारी रखने के लिए पैन अफ्रीकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो किसके साथ हस्ताक्षर किए, अफ्रीका के साथ, अफ्रीका संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और केन्या की कैपिटल क्या होती है, नैरोबी। और इसकी करेंसी आप हमें बताएंगे, केन्या कैपिटल नैरोबी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये एस्टेब्लिश हुआ 1989 में, हेडक्वार्टर्स का कहाँ है, गुड़गांव हरियाणा में, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का तो के श्रीकांत। नेक्स्ट बैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बन गया है। यानी पेटीएम, यदि आप पूछें भारत में सबसे बड़ा यूपीआई लाभार्थी कौन बन गया, तो पेटीएम बन गया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। बस इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट, भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन सा है, तो पेटीएम बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक बन गया। इसके अलावा इम्पोर्टेंट न्यूज है, यस एसेट मैनेजमेंट का नाम बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया। यानी जो यस एसेट था उसका, यस एसेट मैनेजमेंट का नाम बदल दिया गया, उसका नाम क्या हो गया, व्हाइट ओक कैपिटल एसेट। यानी क्वेश्चन पूछा यस एसेट मैनेजमेंट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो व्हाइट ओक कैपिटल एसेट। और इसकी ज्यादातर जो सब्सिडियरी थी जो पूरी की पूरी वो थी एस बैंक में, एस बैंक इसको ऑन करता था। अब इसका नाम क्या हो गया है, व्हाइट ओक कैपिटल एसेट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है ये टॉपिक, बैंक ही। तो आप यहां से याद रखें कि यस बैंक, यस एसेट बैंक मैनेजमेंट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, कैपिटल, व्हाइट ओक कैपिटल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाजों शिवलिक और कदमत ने जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाजों उर्गा और हिराडो के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। यानी भारतीय नौसेना के जहाजों शिवलिक और कदमत ने जापान के मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाजों उर्गा और हिराडो, हमारे देश के कौन से थे, शिवलिक और कदमत, और जापान के उर्गा और हिराडो के साथ बंगाल खाड़ी में समुद्री अभ्यास साझेदारी अभ्यास किया। जापान के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है वो है जिमैक्स, जिमैक्स हमारे जापान के साथ एक्सरसाइज है। और जापान की कैपिटल हमको बता चुके हैं टोक्यो, और इसकी करेंसी क्या है, येन। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, स्पेस एजेंसी का नाम क्या है जापान की, यहाँ देखिए स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो वो है जैक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जैक्सा। इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है, सभी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, वेस्ट इंडीज के दिग्गज सर क्लाइव लॉयड ने यूनाइटेड किंगडम के विंडसर कैसल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम से नाइटहुड प्राप्त किया है। यानी प्रिंस विलियम से नाइटहुड किसने प्राप्त किया है, सर क्लाइव लॉयड ने। या फिर पूछ सकते हैं सर क्लाइव लॉयड को कौन सी उपाधि से यूनाइटेड किंगडम सम्मानित किया गया, तो नाइटहुड की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद फिर इंडिफी टेक्नोलॉजी ने गूगल पे प्लेटफॉर्म पर योग्य छोटे व्यापारियों को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता किया।
यानी इंडिफी टेक्नोलॉजी ने छोटे और योग्य व्यापारियों को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो गूगल पे के साथ समझौता किया। इसके साथ ही इतनी न्यूज आप लोग डिस्कस करेंगे, इनको आप पढ़ेंगे, इनका रिविजन करेंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको इस क्लास की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ से मिलेगा और इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।